मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार किसानों को गेहूं की खरीदी पर प्रति क्विंटल 125 रुपया बोनस देगी। सरकार के प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी कैबिनेट मीटिंग के बाद दी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट की अंतिम बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, गेहूं के उपार्जन के लिए 30,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूति की गारंटी सरकार ने दी है। प्रदेश सरकार गेहूं के उपार्जन पर प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस देगी। अभी 2,275 रुपए समर्थन मूल्य है, उसके ऊपर ये राशि मिलेगी। गेहूं का उपार्जित मूल्य बढ़ाएंगे। अभी हमने 125 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। सरकारी जो MSP है वह लगभग 2,275 की, इसमें 125 रुपये बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार लगभग 2,400 रुपये किसानों का समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदा जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।